ओ बेटा, ये लास्ट टाइम कल हमने ना एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर लिए थे विथ एग्जांपल, ठीक है। तो इसीलिए अभी क्या है कि क्वेश्चन जो है वो अभी और बचे हैं, मान लो तो अभी हम और करवा देंगे, बाद में कर लेंगे अभी। लेकिन उसके पहले ना आज एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है अगला अपना चैप्टर। तो अभी तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो ही गए थे एप्लीकेशन डेरिवेटिव के, एग्जांपल कर ही लिए थे हमने। अगर वो कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन आराम से कर ही लोगे, ठीक है। बाकी अपनी तरफ से जो क्वेश्चन कराने हैं वो अभी हम करवा देंगे। लेकिन उसके पहले आज चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं नया, इनडेफिनेट इंटीग्रल। तो आज नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा, इनडेफिनेट इंटीग्रल। इनडेफिनेट इंटीग्रल नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं आज, ठीक है। तो बेटा कॉपी पेन निकालें और लिखना स्टार्ट करें। जय हिंद बेटा, जय हिंद। नया टॉपिक स्टार्ट करें बेटा, नया चैप्टर स्टार्ट करें, इनडेफिनेट इंटीग्रल। इनडेफिनेट इंटीग्रल, इनडेफिनेट इंटीग्रल अनिश्चित समाकलन, नया चैप्टर है ये, एग्जाम में इसके क्वेश्चन आते ही हैं। जय हिंद बेटा, जय हिंद, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। तो बेटा कॉपी पेन निकालें, चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, लिखना स्टार्ट करें बेटा, लिखना स्टार्ट करें। राहुल, आयुष, जय हिंद बेटा। प्रदीप दाकर, जय हिंद, गुड मॉर्निंग बेटा। लिखना स्टार्ट करो, चैप्टर का नाम इनडेफिनेट इंटीग्रल अनिश्चित समाकलन। जय श्री राम। तो अभी क्या है, तुम लोगों का नवंबर में एग्जाम है, नवंबर में एग्जाम है, इसीलिए थोड़ा सा अपन नया चैप्टर ले रहे हैं कि जिससे एग्जाम के पहले ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर अपने कवर हो जाए, विद कॉन्सेप्ट विद एग्जाम्पल, कॉन्सेप्ट विद एग्जाम्पल। तो एग्जाम के पहले अपने ज़्यादा चैप्टर कंसिडर हो जाए, इसीलिए हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया है, इनडेफिनेट इंटीग्रल, ठीक बेटा। तो चलिए सबसे पहले तो इनडेफिनेट इंटीग्रल में क्या क्या है उनको जरा अपन नोट कर लेंगे, इनडेफिनेट इंटीग्रल के टॉपिक्स। तो इसके टॉपिक्स क्या क्या हैं वो जरा नोट कर लें, इसके टॉपिक्स, फॉर्मेट, इसका फॉर्मेट क्या क्या है। तो सबसे पहले हमें इसमें क्या पढ़ना है, बेसिक इंटीग्रल पढ़ना है, बेसिक इंटीग्रल यानी कि फार्मूले पढ़ना है इसके, कुछ फार्मूले, फार्मूले पढ़ना है इसके, फार्मूले। दूसरा पढ़ना है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन यानी कि कहते हैं इसको हिंदी में प्रतिस्थापन से समाकलन, प्रतिस्थापन से समाकलन। क्लियर आ रहा होगा बेटा? हाँ बेटा ऋषि, आज 1 अक्टूबर है, एयरफोर्स डे है, बिल्कुल सही बात है बेटा। आयुष कुमार, बिल्कुल नया चैप्टर है बेटा, टेंशन मत लो, नया चैप्टर है। कॉपी पेन निकालो, लिखना स्टार्ट करो। अवनीश, बिल्कुल नया चैप्टर है, कोई टेंशन की बात नहीं है, इम्पोर्टेंट चीज है, कॉपी पेन निकालो बेटा, लिखना स्टार्ट करो। ऋषि कुमार, हैप्पी एयरफोर्स डे, बिल्कुल सही है बेटा, हैप्पी हैप्पी एयरफोर्स डे, सेम टू ऑल ऑफ यू, सेम टू ऑल ऑफ यू। आदित्य तोमर, क्लियर दिख रहा है बेटा, लिखना स्टार्ट करो अभी। तो सेकंड है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन से समाकलन। राइटिंग थोड़ी खराब भले ही होगी, बट बेटा लिखना स्टार्ट करो, प्रतिस्थापन से समाकलन। सेकेंड टॉपिक है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, लिख लिया बेटा।
तो नेक्स्ट इसका टॉपिक लिखो, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, थर्ड, थर्ड है इंटीग्रल, इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म, इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स, एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स डी एक्स, अनूप कुमार, अनूप दागर बेटा, खुश रहो बेटा। सही है बेटा, हाँ समझ में आ रहा है, राइटिंग थोड़ी खराब है, कोई बात नहीं, लेकिन समझ में आ रहा है कि क्या लिख रहे हैं। तो चलिए बेटा, थर्ड फॉर्म लिख लिया, थर्ड नंबर लिख लिया, चलिए फोर्थ नंबर पे आते हैं। फोर्थ नंबर लिखिए, फोर्थ नंबर, फोर्थ नंबर है इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म, इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म एफ एक्स की पावर एन इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स। नंबर फाइव, नंबर फाइव लिखो, इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म, इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म साइन की पावर एन एक्स डी एक्स या फिर कॉस की पावर एम एक्स डी एक्स। ठीक है बेटा, नोट कर लिया क्या? ये पांच पॉइंट, फाइव पॉइंट्स नोट कर लिए क्या? ओके बेटा, ओके। बेटा क्लियर दिख तो रहा है, बाकी बच्चे कह रहे हैं नोट कर लिया, क्लियर दिख रहा होगा बेटा, देखो। कल क्या पढ़ लिया था विवेक? कल तुम आए नहीं थे, कल कहाँ थे? कल क्या पढ़ लिया? कल एप्लीकेशन और डेरिवेटिव करवाया था, उसमें मैक्सिमम मिनिमा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग टेंजेंट नॉर्मल करवा दिया था। चलिए बेटा हो गया, तो पांच पॉइंट हो गए। छठे पॉइंट पे आते हैं, छठवां पॉइंट लिखो इसका। छठवां पॉइंट है, छठवां पॉइंट इंटीग्रल ऑफ सम स्पेशल फॉर्म, स्पेशल फॉर्म इंटीग्रल ऑफ सम स्पेशल फॉर्म, इसमें क्या है? टेन फार्मूले है, स्पेशली टेन फार्मूले, नोट कर लो बेटा, इसमें टेन स्पेशल फार्मूले होते हैं। वो बताइए टेन फार्मूले कौन से हैं? वो बेटा कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे, ब्रजेश लास्ट क्वेश्चन जो भी रह गया था वो कर लेंगे बेटा, अभी जरा इसका ध्यान दो बेटा। तो सिक्स है सम स्पेशल इंटीग्रल, दस फॉर्मूले होते हैं वो बताएंगे, सिक्स। उसके बाद सेवन नंबर पे लिखो, सेवन नंबर लिखो इंटीग्रल ऑफ फॉर्म, ऑफ द फॉर्म बी एक्स अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और इंटीग्रल ऑफ डी एक्स अपॉन अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, डी एक्स
गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग अंशु। ये बेटा टॉपिक्स नोट करना स्टार्ट कर दो बेटा, टॉपिक्स नोट कर लो। ये पूरा चैप्टर का समरी होती है कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या चीज है। ये बेटा लिखना स्टार्ट करो सब लोग। सेवन नंबर लिख लिया, सेवन नंबर लिख लिया। एट नंबर है इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म डी एक्स अपॉन एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी। नाइन नंबर इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म डी एक्स अपॉन ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स ये नाइन पॉइंट नोट कर लिए, नाइन पॉइंट तक नोट कर लिया। बेटा ओके बेटा ओके। नंबर टेन में लिखिए, नंबर टेन इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म e की पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स अंशु बेटा अगर आपको ये पसंद आया तो बेटा अच्छी बात है, आपको ये अच्छा लगा बेटा हमारा तरीका हमारा स्टाइल तो बेटा अच्छी बात है ये। चलिए बेटा आप लोगों को ये अच्छा लग रहा है पसंद आ रहा है तो ये हमारे लिए अच्छी बात है, हमें लगता है कि चलिए बेटा हम अच्छे रास्ते पे चल रहे हैं, हम एक अच्छा काम कर रहे हैं, हम अच्छी कोशिश कर रहे हैं। हमें भी खुशी होती है जब आप लोग इस तरह से सपोर्ट करते हैं तो हमें भी खुशी होती है कि बेटा हम अच्छा काम कर रहे हैं। तो चलिए बेटा नोट कीजिए नंबर 11। तो बेटा समझ आ गई होगी बात, ऐसा करने से क्या होता है पूरे चैप्टर का एक समरी मिल जाती है। जब हम इसको रिवीजन करने बैठते हैं तो हम इन पॉइंट्स को रिवाइज करते हैं, हमें पता चल जाता है कि हमने कौन कौन से फॉर्म पढ़ने थे, कौन सा पढ़ लिया, कौन से फॉर्म में हमें किस तरह से इंटीग्रल सॉल्व करना है, किस फॉर्म में हमें इंटीग्रल को किस तरह से सॉल्व करना है ये मालूम चल जाता है। और अगर हमने ये सारे टॉपिक्स एक बार रिवाइज कर लिए तो इस तरह से क्या होता है चैप्टर का पूरा रिवीजन हो जाता है। अगर हमारे पास इन टॉपिक्स की लिस्ट नहीं होगी तो हम जब रिवीजन करने बैठेंगे तो हमें ये पता नहीं चलेगा कि हमने क्या पढ़ लिया और क्या रह गया है, हमें ये आइडिया ही नहीं लग पाएगा कि हमने कितना पढ़ लिया कितना रह गया है ना। कुछ पढ़ते पढ़ते कई टॉपिक्स ना वो छूट जाएंगे, हमें याद ही नहीं आ पाएगा कि हमने क्या पढ़ना था। तो ऐसी लिस्ट बनाने से क्या होगा बेटा आपको फायदा मिलेगा, आपको पता रहेगा इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना था और हमने क्या पढ़ लिया और क्या रह गया है, क्या समझ में आ गया क्या नहीं आया, इस फॉर्म में क्या करना होता तुरंत याद आएगा कि e की पावर x f x plus f dash x equal to क्या होता है, तुरंत याद आ जाएगा हमको, ठीक है ना। तो एक अच्छा तरीका है, अच्छी हमारी कोशिश है और आप लोगों को भी अच्छा लग रहा है, ये एक अच्छी बात है। चलिए बेटा तो नंबर 11 लिखिए, 11 नंबर पर लिखिए इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म e की पावर ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स एंड इंटीग्रल e की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स डी एक्स। 11 नंबर लिखिए बेटा, बेटा नोट कीजिए सब लोग। चलो बेटा अनुप दाकर नोट करो बेटा, ये नोट
नोट करो बेटा, हमारी ये अलग कोशिश है कि थोड़ा सा कुछ अलग करें, कुछ डिफरेंट करें, जो बच्चों के फेवर में हो, बच्चों के लिए अच्छा हो, बच्चे के फायदे की चीज हो। ऐसी हम कोशिश करते हैं कि थोड़ा डिफरेंट कुछ काम करें जो बच्चे के फायदे में हो, बच्चे को काम आए, ये हम ऐसा कोशिश कर रहे हैं बेटा। देखिए तो 11 नंबर हो गया e की पावर ax sin bx, e की पावर ax cos bx। उसके बाद 12 नंबर पे आते हैं। 12 नंबर पे होता है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन हिंदी में इसको कहते हैं आंशिक भिन्न, आंशिक भिन्न से समाकलन, आंशिक भिन्नों से समाकलन। 12 नंबर पे है आंशिक भिन्नों से समाकलन। अंशु बेटा टेंशन मत लो, हम सब कुछ लिख रहे हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन आंशिक भिन्न से समाकलन, और इसमें कुछ हिंदी होती नहीं है। इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म, इस रूप का इंटीग्रल निकालना है बेटा, इसमें कोई हिंदी की वाली बात नहीं है बेटा। अमन सिंह चौहान क्वालिटी ठीक कर दे, क्या राइटिंग लिखने की, राइटिंग की क्वालिटी ठीक करना है कि वीडियो की क्वालिटी ठीक करना है, क्या ठीक करना है अमन सिंह चौहान? किस चीज की क्वालिटी ठीक करना चाहते हो, राइटिंग की, बोलने की कि वीडियो की? अमन सिंह चौहान किस चीज की क्वालिटी ठीक कराना चाहते हो? अच्छा वीडियो की। तो बेटा वीडियो की क्वालिटी तो नेट पर डिपेंड करती है, नेट की प्रॉब्लम कभी होती है, नेट कमजोर आता है, नेट की कुछ स्पीड कम होती है, इसीलिए कभी कभी वो वीडियो थोड़ा कमजोर आता है। वो बेटा नेट की प्रॉब्लम नहीं, वो नेट की प्रॉब्लम है बेटा, ठीक है, नेट की प्रॉब्लम होती है बेटा। वो वीडियो की जो क्वालिटी की बात कर रहे हो वो नेट की प्रॉब्लम होती है। चलिए बेटा तो ये नोट कर लिया, 12 नंबर नोट कर लिया, 12 नंबर नोट कर लिया बेटा, 12 नंबर, 12 नंबर नोट कर लिया। प्रदीप कुमार कह रहे हैं 12 में क्या है, 12 में लिखा हुआ है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन आंशिक भिन्न से समाकलन ज्ञात करना। और बेटा विवेक आप जो कह रहे हैं कि सर फास्टर कर लो, तो उसी तुम्हारे कहने के अकॉर्डिंग हमें मालूम था कि तुम ऐसा बोलोगे, इसीलिए जानबूझकर आज हमने एप्लीकेशन और डेरिवेटिव जो चल रहा था उसके जो क्वेश्चन रह गए थे, क्वेश्चन जो करने थे, तो जानबूझ के हमने, हमें मालूम था कि तुम ऐसा बोलोगे, इसीलिए आज हमने एप्लीकेशन और डेरिवेटिव के क्वेश्चन नहीं लिए, और आज हमने तुम्हारे ही अकॉर्डिंग, तुम्हारे माइंड के अकॉर्डिंग, हमने तुम्हारी थिंकिंग के अकॉर्डिंग, तुम्हारे विचार के अकॉर्डिंग आज नया चैप्टर स्टार्ट कर दिया है इंटीग्रेशन का। विवेक यू अंडरस्टैंड, बात समझ आ रही क्या विवेक? तो चलिए बेटा बातों में कम और अपने कॉन्सेप्ट पे ज्यादा ध्यान दो। 12 नंबर हो गया बेटा, चलिए 13 नंबर लिखो, नंबर 13 इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म, इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म 1 ± x² / x^4 λx² + 1। और 14 नंबर पे लिखो इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट, इसको हिंदी में कहते हैं खंड सह समाकलन, इसका नाम असली होता है प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल गुणन का नियम। तो उपेंद्र बेटा सही बात है, ये हमारा जो तरीका है, हमने जो सिस्टम यूज किया
कि क्वेश्चन कम करवा के कॉन्सेप्ट पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, आगे कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर दिया, नया कॉन्सेप्ट नया चैप्टर स्टार्ट कर दिया उपेंद्र, तो सही तरीका है ये बच्चों के फेवर में हमने काम किया है, तुम्हारे एग्जाम के लिए सही तरीका है। हाँ बेटा चलिए, तो बेटा इस तरह से आप लोग देखेंगे कि हम ना तुम लोगों के फेवर में ही कोई ना कोई स्टेप यूज करेंगे, कोई ना कोई स्टेप जो यूज करेंगे, जो काम करेंगे वो बच्चों के फेवर में काम करेंगे, बच्चों के लिए जो फायदे का काम होगा वही काम करेंगे बेटा हम। तो चलिए बेटा ये नोट कर लिए, सारे पॉइंट्स नोट हो गए बेटा। अभिषेक सिंह बेटा, अभिषेक सिंह ऑर्डर डिग्री की जो बात कर रहे हो, ऑर्डर एंड डिग्री ये जो है वो इस टॉपिक का काम नहीं है। ऑर्डर डिग्री जो है वो डिफरेंशियल इक्वेशन में होता है। ऑर्डर डिग्री अभिषेक सिंह ऑर्डर डिग्री की जो बात कर रहे हो वो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, वो टॉपिक अगला आएगा। बात समझ आ रही? चलिए बेटा चलिए, तो ये हो गए अपने टॉपिक, इन टॉपिक्स को अपने को पढ़ना पड़ेगा, इंट्रीगल के पूरे टॉपिक्स हो गए हैं, इंट्रीगल में ये सारे फॉर्म अपने को पढ़ना है। अब इनको स्टार्ट करते हैं वन बाय वन पढ़ना कि पहला टॉपिक क्या था। तो बेटा पहला टॉपिक था अपना बेसिक इंटीग्रल, यानी कि कुछ फार्मूले पढ़ने थे। तो बेटा लिखना स्टार्ट कर दो फार्मूले, इंटीग्रल के फार्मूले लिखना स्टार्ट कर दो। तो पहला फार्मूला है इंटीग्रल ऑफ x to the power n dx का इंटीग्रल क्या होगा, वो x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, और ये जो c है वो कहलाता है कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। हाँ बेटा हो गया। तो ये इसमें बेटा हिंदी इंग्लिश कुछ होती नहीं है, ये गिरिराज कुशवाहा जो कह रहे हो कि हिंदी में बताना सर, ये इसका हिंदी इंग्लिश कुछ होती नहीं है। x की पावर n का इंटीग्रल x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, और c कहलाता है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, समाकलन गुणांक कहलाता है। इतना समझ लो बेटा, उसको नोट करना स्टार्ट कर दो। दूसरा फॉर्मूला है इंटीग्रल ऑफ e की पावर x dx, तो e की पावर x का इंटीग्रल e की पावर x प्लस c होता है, ठीक है। विवेक बेटा अभी तुम तो दो, अभी तो तुम काफी पेपर दे सकते हो, वो उसमें नेवी में मेरे ख्याल से 20 साल की एज तक देना है, 18 साल 6 महीने है, तो अभी तो तुम्हें कम से कम कितने 6 अटेम्प्ट देने को मिलेंगे विवेक। चलो बेटा 6 मिलेंगे। चलो बेटा, तो अभी जो बात चल रही है उसमें ऐसा है कि चाहो तो इसको नोट कर लेना, मालूम तो होगा ही होगा कि ये जो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रल जो है, इंटीग्रल का मतलब क्या है, इसका दूसरा नाम होता है एंटी डेरिवेटिव कहते हैं इंटीग्रल को, कहते हैं एंटी डेरिवेटिव है इंटीग्रल। क्या है उसकी जो लास्ट अंशु बेटा वो उसकी एज होती है 20 years। चलो बेटा ये बातें बाद में कर लेंगे बेटा, पहले इस पर ध्यान दो, थोड़ा सा अपने टॉपिक पर ध्यान दो। तो इंटीग्रल क्या है, एंटी डेरिवेटिव। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लो कि
log x का डिफरेंशियल होता है कितना 1 upon x, इसका मतलब हुआ कि 1 upon x का जो इंटीग्रल होगा वो कितना होगा log x होगा। एंटी डेरिवेटिव का मतलब समझ आ गया। देख बेटा बार बार कह तो रहे हैं, सबके कमेंट्स आ रहे हैं, तुम्हारे नाम भी ले रहा है बेटा, इसको ध्यान दो थोड़ा सा। तो एंटी डेरिवेटिव है log x का डिफरेंशियल 1 upon x, तो 1 upon x का इंटीग्रल होता है log x, लिखो। तो 1 upon x का इंटीग्रल हो जाता है log x, log x plus c, उसके बाद होता है इंटीग्रल ऑफ, इंटीग्रल ऑफ 1 x plus c, उसके बाद आएगा इंटीग्रल a की पावर x, a की पावर x अपॉन log a, a की पावर x का होगा a की पावर x अपॉन log a plus c। हाँ बेटा भरत सही कह रहे हो, अभय सही कह रहे हो, इंटीग्रल का उल्टा ही होता है, डिफरेंशियल का उल्टा होता है ये इंटीग्रल, बिल्कुल सही है बेटा, चलो लिखते चलो। तो ये नोट कर लिया होगा तुमने। चलिए बेटा नंबर सिक्स पे आते हैं। नंबर सिक्स, इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स डी एक्स, साइन एक्स का इंटीग्रल कितना होगा माइनस कॉस एक्स। नंबर सेवन, कॉस एक्स का इंटीग्रल, cos x का इंटीग्रल हो जाएगा sin x plus c। 8, इंटीग्रल ऑफ sec x into tan x, इसका इंटीग्रल होता है sec x। 9 नंबर, इंटीग्रल ऑफ cos x cot x माइनस cos x, इसका इंटीग्रल होता है इंटीग्रल ऑफ sec स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये होता है टेन एक्स। 11, cosec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल माइनस cot x प्लस सी। 12, तुम तो सही कह रहे हो कि ये तो पहले से नोट है, लेकिन सारे बच्चों के पास नहीं होगा, इसलिए एक बार नोट कर ले रहे हैं। नोट भी है मान लो, तो एक बार रिवीजन कर ले रहे हैं। अबे तापक, अब तो तुम ये भी कह सकते हो कि सर ये तो हमने पढ़ा हुआ है, सारी चीजें तो पढ़ी हुई हैं, बस थोड़ा सा उसको डिफरेंट वे में चलना है, कुछ ज्यादा मिलना है, कुछ एक्स्ट्रा सीखना है, एक्स्ट्रा कुछ फॉर्मूले मिल सकते हैं वो देखना है, और उसको रिवाइज भी करना है। अगर मान लो लिखा हुआ भी है, पढ़ा हुआ भी है, तो अभी तो उसको रिवाइज करना है। अगर तापक, बात समझ आ रही है कि नहीं? और ये अंशु शर्मा कह रहे हैं, अंशु बार बार कह रहे हैं सर सी क्यों लगाते हैं, तो चलो बेटा उसका जवाब देख लेते हैं कि सी क्यों लगाते हैं। मान लो ये लिखा हुआ है dy dx ऑफ मान लो क्या लिखा हुआ है tan x प्लस सी, मान लो dy dx है tan x प्लस सी, तो क्या होगा tan x का डिफरेंशियल क्या होता है sec स्क्वायर x, और c का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा जीरो। इसका मतलब क्या हुआ कि इंटीग्रल ऑफ sec स्क्वायर x क्या आना चाहिए tan x प्लस सी आना चाहिए, क्योंकि इंटीग्रल क्या है डिफरेंशियल का उल्टा होता है ना, एंटी डेरिवेटिव है। अंशु शर्मा, अंशु शर्मा समझ में आ गया सी क्यों लगाते हैं, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होता है, tan x + c का डिफरेंशियल sec स्क्वायर x होता है, इसीलिए sec स्क्वायर x का इंटीग्रल tan x + c हुआ। अंशु बात क्लियर हो गई क्या? अंशु क्लियर हो गई बात, सी क्यों लगाते हैं? अवनीश कमेंट्स आ रहा है, सबके कमेंट्स आ रहा है अवनीश। चलिए बेटा, तो
तो 11 नंबर साइन कॉस सेक कॉस सेक स्क्वायर कॉस स्क्वायर हो गया। चलिए आप 12 नंबर पे आ रहे, तो 12 नंबर में इंटीग्रल ऑफ टेन एक्स का इंटीग्रल क्या है? टेन एक्स का इंटीग्रल है लॉग सेक एक्स प्लस सी या माइनस लॉग कॉस एक्स। 13 नंबर इंटीग्रल ऑफ कॉट एक्स डी एक्स, कॉट एक्स का इंटीग्रल लॉग साइन एक्स प्लस सी या माइनस लॉग कोसेक एक्स प्लस सी। 40 नंबर इंटीग्रल ऑफ सेक एक्स डी एक्स, सेक एक्स का इंटीग्रल लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स या फिर लॉग टेन एक्स वाई टू प्लस पाई वाई फोर। इंटीग्रल ऑफ कोसेक एक्स अव्यथापक, अव्यथापक नोट कर लिए सारे, ये बाद में नोट कर लिए। फॉर्मूले नोट हो गए क्या? लॉग कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स अगर था पर ठीक है, तो लॉग कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स इसका एक दूसरा वाला फार्मूला भी होता है 15 वाले का। अगर था पर 15 वाले का कोसेक एक्स का इंटीग्रल एक दूसरा फार्मूला भी होता है, बताओ दूसरा वाला फार्मूला क्या है? अव्यथापक, अव्यथापक बताओ इसका दूसरा फार्मूला क्या है? सही है बेटा, बिल्कुल सही है, लॉग टेन एक्स वाई टू प्लस सी, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए बेटा लिख लो, सब लोग लिख लो, मैंने बिल्कुल सही बात दिया है, लॉग टेन एक्स वाई टू होता है, बिल्कुल सही। चलो फिर बेटा फास्ट चलते हैं और जरा नोट कर लो दो चार फॉर्मूले। इंटीग्रल ऑफ वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स साइन इनवर्स एक्स, इंटीग्रल ऑफ वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स टेन इनवर्स एक्स प्लस सी तो रह ही रहेगा। 18 वन अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन का इंटीग्रल नंबर का आंसर क्या है? 18 अबे थापक बताओ 18 का आंसर क्या है? 18 अरे अबे थापक बोलो 18 वाले का फॉर्मूला क्या है? ब्रिजेश कह रहे हैं 12 में माइनस है क्या? कहां पर है 12? हाँ 12 में लिखा हुआ लॉग सेक एक्स प्लस सी या फिर लॉग माइनस लॉग कॉस एक्स प्लस सी है, माइनस लॉग कॉस एक्स प्लस सी है। ब्रजेश 12 का सेकंड पार्ट जो लिखा है उसमें माइनस है, तो गिरिराज ने जो आंसर लिखा है वो गलत है। अभय थापक ठीक कह रहा है, अभय ठीक कह रहा है, भरत दाकर भी कुछ ठीक कह रहा है, शुभम प्रजापति कुछ ठीक कह रहे हैं,
और विवेक पता नहीं क्या लिख रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। विवेक का तो 00 लिखा हुआ आ रहा है, फिर विवेक बोलेगा कि सर मेरे कमेंट्स नहीं आ रहे हैं। विवेक ने क्या लिखा हुआ है, आप लोगों को भी दिख रहा होगा कि विवेक ने क्या लिखा है। उपेंद्र ने भारत ने सबने ठीक आंसर दिया, तो इसका ये आंसर होता है sec inverse x plus c। ठीक है बेटा, आप छोटे मोटे और बच गए हैं, पूछ रहा हूँ नोट कर लेना। 19 नंबर का इंटीग्रल ऑफ 1/x² dx क्या होता है, और 20 नंबर इंटीग्रल ऑफ 1/√x dx क्या होगा। चलो बेटा 19 और 20 का आंसर बोलो क्या है। कितना आ रहा है। अभिषेक सिंह ने बोला 19 का -1/x, 20 का √x, बिल्कुल सही जवाब है। उपेंद्र ने भी सही आंसर बोला है। आदित्य ने कुछ गलत बोला है। अभय तापक तुम्हारा क्या आंसर आ रहा है। चलिए बेटा कुछ बच्चों ने सही बोला है, तो इसका आंसर है -1/x और इसका आंसर होता है √x। प्लस का सी तो रह ही रहेगा, कोई बात ही नहीं है, वो तो प्लस का सी तो है ही, प्लस सी। पंकज ने भी बोला 19 का -1/x, सभी ने बोला है, और √x + c है 20 वाले का, बिल्कुल सही। तो इस तरह से ये क्या हुए, अपने फार्मूले हो गए हैं, बेसिक वाले फार्मूले हो गए बेटा ये। चलिए अब जरा इसका यूज करके देख लेते हैं अपन, थोड़ा सा इनका यूज कर लेते हैं, यूज कैसे करना है। तो जरा एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल मान लो कभी ऐसा लिखा हुआ हो, इंटीग्रल निकालो, जैसे कि मान लो लिखा हुआ है इंटीग्रल ax² + bx + c का इंटीग्रल क्या होगा। तो इंटीग्रल सिंपल ax² का हो गया x³/3, bx का हो जाएगा x² / 2 + c का हो जाएगा cx, और प्लस कोई दूसरा कॉन्स्टेंट आ जाएगा c1। ठीक है, हाँ अंशु तुम्हारा आंसर सही है। हाँ अब ठीक है बेटा, चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। मान लो दूसरा क्वेश्चन है, इंटीग्रल निकालना है √x + 1/√x² का होल स्क्वायर का इंटीग्रल निकालना है। तो बोलिए बेटा इसका आंसर क्या आएगा। √x + 1/√x² का होल स्क्वायर का इंटीग्रल कितना आएगा, बोलो बेटा इसका आंसर क्या आएगा। √x + 1/√x² का होल स्क्वायर का इंटीग्रल। अभय थापक ने पता नहीं क्या लिखा है, x² / 2 फिर log x 2x, पता नहीं क्या लिख दिया है। हाँ कुछ ठीक है, तो इसको ना पहले सॉल्व कर लेना बेटा। a + b² से तो आ जाएगा x + 1/x + 2। अब इसको इंटीग्रेट कर दो बेटा, तो x का हो जाएगा x² / 2, 1/x का हो जाएगा log x, और प्लस 2 का हो जाएगा 2x प्लस c, इसका आंसर है। तो ये अभय थापक ने बिल्कुल ठीक बोला था, कपिल ने भी ठीक बोला है, प्लस माइनस बीच में नहीं लिखा वो अलग बात है, बाकी लग वो ठीक है, ऑप्शन देखोगे तो अपने आप समझ आ जाएगा। आकाश कुशवा कह रहे हैं पता नहीं, तो अभी पता चल गया कि नहीं जो लिखा हुआ आंसर। आकाश कुशवा जी पता चल गया आंसर क्या आएगा और कैसे आएगा।
आकाश कुशवाहा जी, पता चला आंसर क्या आएगा और कैसे आएगा? माइनस का 2x नहीं आएगा अमन, अमन बेटा माइनस का 2x नहीं आएगा, प्लस का 2x आएगा, a प्लस b का स्क्वायर से घुलेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का 2ab होता है, माइनस का 2 नहीं आएगा अमन, अमन बेटा माइनस का 2x तुमने जो लिखा हो माइनस का 2x नहीं आएगा अमन, माइनस का 2x लिखा है अमन तुमने, हाँ बेटा सी सब में आएगा। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं, तो मान लो एक एग्जांपल लिया हमने, टू एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फाइव अपॉन, मान लो लिख लिया एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रल पूछा है तो पहले इसको एलसीएम सेपरेट कर लो, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3 प्लस 4 अपॉन एक्स प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर, 5 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। अब इसको इंटीग्रल कर लो तो 2x का हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3 का हो जाएगा 3x प्लस 4 का हो जाएगा 4 log x, और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का माइनस 1 अपॉन एक्स, तो माइनस का 5 अपॉन एक्स प्लस सी आंसर आ गया, ये 2 से 2 कट जाएगा। लिखिए बेटा इसका सॉल्यूशन और आंसर लिखिए, सारे के सारे बेसिक क्वेश्चन चल रहे हैं, अभी तो शुरुआत की है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन, बेसिक फार्मूला वाले क्वेश्चन है ये सब, हो गया। कपिल दुबे बिल्कुल सही है, चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। तो मान लो क्वेश्चन ये है, इंटीग्रल ऑफ टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस फोर अपॉन रूट एक्स, इसका निकालना इंटीग्रल, बेटा सॉल्व करो क्या आंसर आ रहा है, ऑप्शन दे, ऑप्शन ऑप्शन के लिए बेटा सॉल्व करना पड़ेगा हमें, ऑप्शन के लिए तो सॉल्व करना पड़ेगा, चलो बेटा सॉल्व कर लो, ऑप्शन सॉल्व कर लो, 2 और ये हो जाएगा 2 माइनस 1 बाई 2 एक्स की पावर 3 बाई 2 प्लस 3 एक्स की पावर 1 बाई 2 प्लस 4 अपॉन रूट एक्स। अब सॉल्व कर लो इसको, तो 2 और ये हो जाएगा एक्स की पावर 3 बाई 2 प्लस 1, 3 प्लस 2 5, 5 बाई 2 अपॉन 5 बाई 2 प्लस 3 एक्स की पावर 1 बाई 2 का इंटीग्रल 2 बाई 3 एक्स की पावर 3 बाई 2 प्लस 4 1 अपॉन रूट एक्स का 2 रूट एक्स, तो 2 रूट एक्स प्लस सी, तो आंसर ये 2 बच जाएगा तो हो जाएगा 4 अपॉन 5 एक्स की पावर 5 बाई 2 प्लस 3 से 3 कटेगा 2 एक्स की पावर 3 बाई 2 4 टू या 8 रूट एक्स प्लस सी इसका आंसर बचेगा। समझ में आ गया, चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। मान लो ये अपना क्वेश्चन ऐसा है कि इंटीग्रल ऑफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस
प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स। मान लो इसका इंटीग्रल निकालना है तो सिंपल है, एलसीएम सेपरेट कर लो, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स प्लस ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स। ये एक साइन से कटेगा, साइन यानी कि साइन अपॉन कॉस यानी कि इंटीग्रल ऑफ टेन एक्स, और प्लस एक कॉस से कॉस कटेगा तो कॉस अपॉन साइन इंटीग्रल ऑफ कॉट एक्स, और टेन एक्स का इंटीग्रल होता है लॉग सेक एक्स और इसका होता है लॉग साइन एक्स, यानी कि आ जाएगा इतना अपना इंटीग्रल ऑफ लॉग साइन इंटू सेक यानी कि साइन अपॉन कॉस लॉग टेन एक्स बच जाएगा लॉग टेन एक्स। आयुष उपाध्याय सही है बेटा, लॉग टेन एक्स फाइनल आंसर आएगा इसका। पहले आयुष ने लिखा था सेक एक्स वो गलत था, अभी आयुष ने लिखा है लॉग टेन एक्स, अब ये सही है। कपिल तुम्हारा आंसर भी ठीक है बट ऑप्शन के हिसाब से देखना पड़ेगा, ऑप्शन के हिसाब से चलना पड़ेगा, ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से, ऑप्शन के हिसाब से चलना पड़ेगा। चलिए बेटा अगला कोई एग्जांपल लेते हैं, इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। ठीक है बेटा, अभी ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसका आंसर बताओ क्या है। दूसरा क्वेश्चन है इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। चलो ये दो क्वेश्चन लिखे हुए हैं, इनके आंसर बोलो क्या है। आयुष उपाध्याय ने कपिल ने आंसर दिया है सेक एक्स, इस वाले का आंसर जो आया इनका सेक एक्स आ गया, सही है बिल्कुल। इस वाले का आंसर बोलो क्या आ रहा है। सेकंड वाले का आंसर क्या है, पंकज राठौर ने सही आंसर दिया है, अभिषेक सिंह ने सही आंसर दिया है कि सेकंड वाले का आंसर है माइनस कोसेक एक्स, ये सही आंसर है माइनस कोसेक एक्स है, माइनस कोसेक एक्स, माइनस कोसेक एक्स। ठीक है बेटा, माइनस कोसेक एक्स हो गया। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। या आप कह रहे हैं कि सर आगे बढ़ो तो फिर आगे लिखो, फिर चलो डालो हेडिंग इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो मान लो ये क्वेश्चन है, इंटीग्रल निकालना है तुम्हें, कॉस कॉस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स,
cos sin x into cos x dx. हाँ विवेक तुम्हारा सही आंसर। चलो कपिल दुबे हिंदी, इसका हिंदी में क्या होता है बताया था, प्रतिस्थापन से समाकलन, अभी तो बता दिया था प्रतिस्थापन से समाकलन बताया तो था बेटा, पहले नहीं बताया था क्या टॉपिक्स में, जब टॉपिक्स से करते लिखवाए थे तब ये नहीं बताया था क्या हिंदी में कपिल, कपिल जब ये टॉपिक्स लिखवा रहे थे तो सेकंड टॉपिक इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन उसका वहां हिंदी लिखवाया था कि नहीं, हिंदी में लिखा था कि नहीं कपिल, ये हिंदी में वहां लिखा था सेकंड टॉपिक कि नहीं, यस नो बोलो बेटा, यस कि नो, जब टॉपिक्स लिखवा रहे थे तब वहां पर हिंदी में लिखा था कि नहीं, यस या नो लिख के बोलना है, जल्दी बोलो यस कि नो, हाँ बेटा लिखवाया था। तो चलिए बेटा प्रदीप कुमार धाकर ने इस क्वेश्चन का आंसर भी दे दिया है, प्रदीप कुमार ने इसका आंसर भी दे दिया है, पर प्रदीप का कुछ गलत लग रहा है, उपेंद्र का आंसर सही लग रहा है। तो चलो बेटा यहां पर क्या कर लेंगे, ये sin x जो है उसको t पुट कर देते हैं, तो पुट कर लिया हमने sin x इक्वल टू t, इसका डिफरेंशियल निकालोगे sin x का डिफरेंशियल तो जाएगा cos x, इधर आएगा dt अपॉन dx, तो ये बन जाएगा cos x dx इक्वल टू हो जाएगा dt, तो ये जो cos x dx है वो बन जाएगा dt, तो अपना जो इंटीग्रल जो बच गया cos और इसको ले लिया t और ये बन गया dt, cos t का हो गया sin t, sin t तो आंसर आ गया sin और t की वैल्यू sin x, तो सही आंसर है इसका sin sin x का c, सही आंसर है sin sin x का c, तो ब्रजेश बघेल का आंसर सही है sin sin x का c, कपिल दुबे sin sin x का c, तो ये है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का एग्जांपल, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया क्या करना है। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं, मान लो दूसरा एग्जांपल लिया इसका, ये ऐसा होता कभी, मान लो साइन रूट एक्स अपॉन रूट एक्स इंटू डी एक्स, साइन रूट एक्स अपॉन रूट एक्स, तो बताओ इसका ऑप्शन आंसर हम बोल रहे हैं क्या आएगा, पहला ऑप्शन कॉस रूट एक्स, दूसरा इसका आंसर दे दिया हमने चलो मान लो माइनस कॉस रूट एक्स, तीसरा ऑप्शन टू कॉस रूट एक्स और चौथा आंसर माइनस टू कॉस रूट एक्स। चलो बेटा बताओ, ऑप्शन दिए हुए ऑप्शन बोलो बेटा, विवेक बेटा क्वेश्चन सामने लिखो लिखा हुआ है उसका आंसर बोलना है, उपेंद्र धाकर कह रहे हैं डी, प्रदीप कुमार कह रहे हैं डी और अभिषेक सिंह कह रहे थे डी, हाँ ये पंकज राठौर का जो जवाब आया बहुत अच्छा लगा कि डी ही होगा, इस तरह से जब बच्चे बोलते हैं कॉन्फिडेंटली तो अच्छा लगता है, जब बच्चे कॉन्फिडेंटली जवाब देते हैं कॉन्फिडेंटली तब अच्छा लगता है कि सर डी ही होगा, ऑप्शन क्या देना है आंसर कैसा लेना है कि सर डी ही होगा, तो इसका सही आंसर है डी, बिल्कुल सही जवाब आया, तो सही इसका आंसर है डी, तो यही कहलाता है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं, तो तीसरा क्वेश्चन इंटीग्रल ऑफ 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स डी एक्स,
एक्स डी एक्स ऑप्शन दे रहे हैं, पहला ऑप्शन है 1 प्लस लॉग एक्स, दूसरा ऑप्शन है 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 2, तीसरा ऑप्शन 1 प्लस लॉग एक्स का होल क्यूब अपॉन 3, और तीसरा चौथा ऑप्शन है नन। चलिए बेटा इधर ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक और क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसका आंसर बोलो। आंसर नहीं लिखना बेटा, अभिषेक कपिल आंसर लिखने की जरूरत नहीं है, केवल ऑप्शन लिखना है, ए बी सी डी कुछ भी ऐसा लिखना है, थर्ड का ए या थर्ड का बी या थर्ड का सी या थर्ड का डी, ऐसा आंसर लिखना है। आंसर लिखने की जरूरत नहीं है, केवल ऑप्शन लिखना है कि थर्ड का कौन सा आंसर है, थर्ड का बी है कि सी है कि डी है कि ए है, ऐसा लिखना है। अंशु कह रहे हैं सी ही होगा, कपिल देव कह रहे हैं डी इज करेक्ट। ये शुभम प्रजापति ने सही लिखा, थर्ड सी, ऐसा सही लिखना है। कपिल दुबे कह रहे हैं थर्ड का डी, थर्ड का डी गलत है। उपेंद्र अब कह रहा बी होगा, पता नहीं क्या कह रहा बी। तो इस थर्ड वाले क्वेश्चन का आंसर है सी, थर्ड वाले का आंसर है सी। चलिए बेटा थर्ड वाले का सी है, और अभी कोई बालक कह रहा है कि सेकंड वाला समझा दो, तो सेकंड वाले को समझ लो, यहां से हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे रूट एक्स को टी, तो रूट एक्स का डिफरेंशियल आएगा 1/2 रूट एक्स, ये हो जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स, तो यहां से सॉल्व करोगे तो डी एक्स आएगा ऊपर, नीचे बचेगा रूट एक्स, ये 2 चला जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा 2 dt, यानी कि अपना इंटीग्रल बचेगा साइन टी, और डी एक्स अपॉन रूट एक्स हो गया 2 dt, तो 2 dt, तो 2 बाहर आ गया, साइन टी का हो गया माइनस कॉस टी, और टी की वैल्यू पुट कर लेना, तो तभी इसका आंसर आ रहा था डी, कहाँ गया डी, माइनस 2 कॉस रूट एक्स, तभी डी आंसर आया था इसका, समझ आ गया। कौन पूछ रहा था ये सेकंड का सॉल्यूशन, थर्ड का सी हो गया था बेटा, सही है। तो इस तरह से ये इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट समझ आ गया, कॉन्सेप्ट इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट बोलो समझ आ गया कि नहीं, केवल यस और नो लिखना है, यस और नो। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि नहीं, हाँ जी बेटा ठीक है यस। तो फिर कल इसको कंटिन्यू करेंगे, आज की क्लास यहीं रुकते हैं, तब तक के लिए बेटा हैव ए गुड डे, थैंक यू फॉर टुडे, मिलते हैं कल।